हाँ जी, सब तो पहला तो आपां डाउट ये हुंदा जां आपां नूं पता नहीं हुंदा कि डाकूमेंट किहड़े किहड़े चाहीदे है साउथ कोरिया दे लई। जिवें कि हर एक कैंडीडेट की इनकुआरी हुंदी है जां कॉलां आउंदियां, कहणगे जी सब तो पहला डाकूमेंट दसो, केस तां आपां अपलाई कर लांगे, बजट भी हो जू, फीस भी हो जू, बट डाकूमेंट जदों अपने कंप्लीट नहीं हुए दैन उस चीज़ का की फायदा। सो मैं थोनों कला कला डाकूमेंट स्टैप बाय स्टैप इस वीडियो के दसूंगा। सो मेरी वीडियो में तुसी प्रॉपर पूरी देखियो जे तुसी साउथ कोरिया के वाकई ही तुसी स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि मैं थोनों स्टैप बाय स्टैप कला कला डाकूमेंट थोनों दसूंगा कि कहड़ी कहड़ी यूनीवर्सिटी के कहड़े कहड़े डाकूमेंट वो मांगते हैं। सब तो पहला तो देखो मैं थोनों ये गल दसदा कि जदों आपां डाकूमेंट की गल कर जा रहे हैं उहदे विच मैं थोनों नॉर्मल का डाकूमेंट दस देना एक बारी, ते उहदे विच जिवें कि दसवीं तो लैके बारहवीं तक जिहड़े होगे लास्ट एजुकेशन डाकूमेंट होगे, ठीक है, दसवीं तो लैके लास्ट एजुकेशन तक वह होगे थोड़े लास्ट एजुकेशन के डाकूमेंट जिहड़े कि आपां नूं चाहीदे है। पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, तो दसवीं, दसवीं तो लैके बारहवीं बी ए की है जां बी टैक की है जां लास्ट स्टडी जो भी की है, अकैडमिक डाकूमेंट थोड़े चाहिए है। उस दे नाल नाल ये सारे डाकूमेंट आपां नूं अपोस्टाइल कराने पैंदे है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल तो एमईए तो, क्योंकि विदाउट अपोस्टाइल आप अपलाई नहीं कर सकती। सो अपोस्टाइल आपां नूं डाकूमेंट पहला ही करवाने पैंदे है। इस दे नाल नाल आपां नूं एक मैडिकल भी करवाना पैंदा है। हुण जिहड़ा मैडिकल है उहदा की सैंपल है, की फॉरमैट है, उस दे बारे भी मैं तुहानूं प्रोपर दसूंगा। वह एक सिंपल मैडिकल है, बट कुछ यूनीवर्सिटियां दे विच जिहड़ा मैडिकल हुंदा है वह उन्हां दी वैबसाइट दे उपर फॉरमैट दिता होया है, आपां नूं उसे ही मैडिकल का फॉरमैट चाहिए है एंड उन्हां दे उसे ही लैटर पैड दे विच चाहिए है। सो हर एक दा यूनीवर्सिटी का अलग अलग प्रोसैस है। सो एक आपां नूं मैडिकल चाहिए, सो मैडिकल हो गया, सो थोड़े अकैडमिक डाकूमेंट हो गए एंड ये डाकूमेंट सारे आपां अपोस्टल कराने हैं। ये डाकूमेंट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, हर एक कैंडीडेट करवा लूगा, बट दिक्कत कितने आती है, प्रॉब्लम कितने आती है, जितों के सारे कैंडीडेट खिसक जाते हैं, भज जाते हैं जी नहीं अपलाई कर। बैंक की स्टेटमेंट नाल चाहिए है जिदे सात तो लैके अठ लख रुपये नाप थोड़े अकाउंट के वो पेरेंट्स के अकाउंट च नहीं चलूगा, फादर मदर के अकाउंट च नहीं चलूगा, वो थोड़े अपने अकाउंट के बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जे तुसी अपने अकाउंट के बैलेंस शो करोगे फिर ही तुसी अगे प्रोसैस शो कर सकते हो एंड सात तो लैके अठ लख रुपये तुसी अपने अकाउंट के शो करना है। कोई आई टी आर नहीं चाहिए, कोई जॉब प्रोफाइल नहीं चाहिए, पर बैलेंस चाहिए। हुण इनकवायरी आउंदी है बैलेंस कित्थों लैके आईए, कित्थों करिए, सो फ्रैश फंड चल जाता है, फ्रैश फंड तुसी शो कर सकते हो। उस तो बाद आप अपलाई करांगे, जदों आप अपलाई करांगे उस दे नाल नाल आपां नूं डाकूमेंट चाहिए एम ओ आई जिन्हों आप कहने हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एल ओ आर भी तुसी नाल फॉरमैट तुसी दे सकते हो। एम ओ आई जिहड़ा हुंदा है जे तुसी स्टडी पंजाबी मीडियम विच कीती है दैन तुसी, मैं तुहानूं कोशिश करूंगा कि तुसी एटलीस्ट 5.5 बैंड तां तुसी जरूर लो। जे तुहाडे कोल आईलैट्स नहीं हैगी दैन तुसी अपने स्कूल चों अपने कॉलेज के बिचों ये चीज़ लिखवाओ कि मैं अपनी स्टडी के इंग्लिश सबजैक्ट पढ़िया हुआ उस मेरे पंजाबी दे विच, पंजाबी दे नाल नाल इंग्लिश दे विच मेरे इन्ने इन्ने मार्क्स सी, हिंदी के आले आले ने भी इस तरह लिखाउणा है कि मैं हिंदी मीडियम दे विच स्टडी की है पर उस दे विच मैं अपना इंग्लिश सबजैक्ट पढ़िया हुआ उस दे विच मेरे इन्ने मार्क्स है। एम ओ आई तुसी लगा सकते हो, उस दे नाल नाल तुसी आईलैट्स वगैरह लगा सकते हो, तुसी पीटी लगा सकते हो जां होर किसी भी तरह का तुसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट तुसी लगा सकते हो। हुण ये नॉर्मल डाकूमेंट जिहड़े थोनों मैं दस्सिया कि अपलाई करन लई चाहीदे है, उस दे नाल नाल एक मिनट की थोड़ी एक वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू चाहीदी है, जिस दे विच मान लो हुण मैं थोड़ी वीडियो इंटरव्यू बनाई आप, मान लो आप कोई भी आप इंटरव्यू बनावांगे जिस दे विच आपां सिर्फ यही चीज़ दसनी है कि जिवें कि हुण मान लो मैं बनावां जिस दे विच दसना कि माई नेम इज़ फलाना, आई एम फ्रॉम, कहण दा मतलब एक मिनट दे विच अपने रिज्यूम वाली डिटेल देनी है, अपने रिज्यूम की डिटेल, एक मिनट फ्लूएंसी बोलना है, जिहड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए वह बिल्कुल वाइट होवे,
कोई शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना जरूरी है। यह ना हो कि तुसी प्ले भी अपने हाथ नाल तुसी आप ही करी जाने हो फिर तुसी मगर भजी जाने हो। सो ये चीज़ा नहीं होनी जरूरी, सो एक सिंपल होनी चाहिए है। सो इस फॉरमैट मैं तुहानू सेंड कर दूंगा। सो इस दे नाल नाल वीडियो दे नाल नाल एक रिज्यूम चाहिए, रिज्यूम जिहड़ा अपलोड करना है वह यूरो पास होना चाहिए जिस दे विच तुहाडी फोटो भी लगी होनी जरूरी है, एंड इस दे नाल नाल तुहाडा फेस 80% फेस बैकग्राउंड वाइट, 6 महीने तो पुरानी थोड़ी फोटो थोड़ी नहीं होनी जरूरी, तो ध्यान रहे किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना जरूरी क्योंकि PCC वगैरह होगी सो प्रॉब्लम आ जाती है। साउथ कोरिया कंट्री के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ने, सो दैन थोड़ा एडमिशन लैटर आजगा, फिर तुम एम्बेसी फीस पे करोगे वगैरह। अगे मैं सब प्रोसैस स्टैप बाय स्टैप दसूँगा अगे एडमिशन लैटर आप किमें लै सकते हैं, सो इंटरव्यू किमें क्लीयर कर सकते हैं, किन्नी फीस आ जाती है, किन्ना फंड शो करना पैंदा है, जां एम्बेसी दे लई डाकूमेंट किहड़े-किहड़े चाहिए है। सो इहदे बारे मैं वीडियो दसूंगा। तुसी मेरे चैनल नूं लाइक ते शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करियो जे तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगी, एंड मेरी वीडियो नूं देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल जी।